दिखा ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमैटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड द ऐप एंटीमैटर फिट। अभी आप कहाँ खड़े हो और क्या स्थिति है? ये अपना इंदिरा कॉलोनी का एरिया है, क्रिश्चियनगंज, और ये अजमेर शहर के स्मार्ट सिटी के नज़ारे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। सरकारी दावे हैं स्मार्ट सिटी के, जिस पे सिर्फ अफसरों के, नेताओं के घर भरे जा रहे हैं और पब्लिक को कचरे से, आम जनता को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अब ये इतना कचरा पड़ा है यहाँ, जब भी ये नाला निकलता है कम से कम 7 दिन 10 दिन पहले ये कचरा नहीं उठता है। बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, कांच वगैरह बिखरा हुआ रहता है, लगने करने का डर रहता है, रात बिरात बच्चे आते हैं, कोई गिरता है करता है। पब्लिक मतलब इन लोगों को इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। पार्षद है, पार्षद को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, नेताओं को अपने आप से मतलब है, खाली वोट मांगने ही आ जाते हैं और उस टाइम में तो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अब पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हो गया, अब ये सरकारी उसमें है आज, वो भी कोई देखने वाला नहीं है, तो अब इसका क्या इलाज हो सकता है? ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है अजमेर शहर का, जो कि पूरे मतलब उसमें भारत में कहने भाई स्मार्ट सिटियाँ बनेगी, ये ऐसे स्मार्ट सिटियाँ बनेगी, इससे तो अच्छा है कि हमारा पहले वाला हिस्सा सही था। हमारे को ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए कि ऐसे अच्छे दिन में आदमी जीना भी दुश्वार हो जाए। अच्छा, कितने दिन हो गए इस कचरे को? इसका कचरे को सप्ताह भर हो गया। अच्छा, ये आपने शिकायत करी थी? शिकायत तो वो आए दिन इनको ये आस पड़ोस वाले बेचारे सब बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन बस वही है, गीला है, सूखा है और घर के गेटों के बाहर ही कचरा डाल देते हैं। अब इतने लोग रह रहे हैं तो गाड़ी घोड़े भी खड़े होते हैं, इसके बाद आगे कोई एंट्रेंस नहीं है तो सब गाड़ी घोड़े यहीं खड़े होते हैं, तो स्थिति आती है कि पैदल निकलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन अब करें क्या, किसको कहें, मेरे कोई सुनने वाला ही नहीं है। खाली ये है कि बस जो कोई अच्छा है, अगर कोई गरीब आदमी 2 कमरे का मकान बना रहा है उसको परेशान करेंगे, और जो 2 करोड़ का बना रहा है उसको कोई परेशान नहीं करेगा। सब अपने अपने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और आदमी अगर 1 कमरे का मकान भी बना रहा है तो उसको ये परेशान करने पहुंच जाते हैं। कौन सी जगह? ये किशनगंज इंदिरा कॉलोनी कैलाशपुरी रोड। आपका नाम? नौरत जादव।